स्वागत है आपका वापस से नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग क्या है या पुराना ही है, ठहर रहे हैं। अभी आगरा से आया था और आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी है, यहाँ आ गया बुलंद दरवाज़ा देखने के लिए। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा फतेहपुर सीकरी का, बहुत ही बुरा रहा, एक्सट्रीमली बैड। इतना बुरा मैंने सोचा नहीं था यहाँ आकर के। एक तो ये दिक्कत है कि ये बिल्कुल छोटा सा टाउन है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो दिखता ही नहीं है। ये बिल्कुल समझ लो जैसे ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक एरियाज वैसे ही है। बिल्कुल दो चार दुकान है, एक दो रेस्टोरेंट है और दो तीन गेस्ट हाउस हैं। तो मैंने यहीं पे एक पास में एक गेस्ट हाउस देखा, 8:30 बजे यहाँ पहुँचा था और अभी 9:30 हो रहे, तो टाइम ज़्यादा था नहीं। तो हमें किसी भी हाल में, ठंडी का टाइम है, ठंड का 17-18 नवंबर है सर, तो ज़्यादा बाहर टहल नहीं सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर ही एक बात कर लिया गेस्ट हाउस से। और इनके पास जगह नहीं थी तो इन्होंने हमें एक शेयर्ड दे दिया, मतलब इसमें ऑलरेडी दो लोग पहले से थे और एक बेड उन्होंने मुझे दे दिया है साइड से। और इतना बुरा है क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग है, बेड ढंग का नहीं है, बेड शीट एकदम गंदा है इसका, वॉशरूम में ठीक से नहीं है, फ्लश नहीं है, फ्लश काम नहीं कर रहा उसका, बाल्टी या पानी भर के ऊपर से डालना पड़ रहा है, इतना बुरा हाल है। तो चलिए मैं आपको इसका रूम दिखाता हूँ, और कुछ दिखाने लायक नहीं है। ये सामने से होटल की एंट्री है गेस्ट हाउस की, यहाँ से हम आए और ये वाला रूम हमें मिला है। इसमें दो लोग पहले से हैं यहाँ पे और ये साइड वाला बेड उन्होंने मुझे असाइन किया है। तो देख सकते हो इसमें आई लव यू जान लिखा हुआ है, माई लव जान इस तरह का कुछ इस पर लिखा हुआ है। कोई वॉल की पेंटिंग आप देख के अंदाज़ा लगा लो, इसका ये सीलिंग देख लो, फैन और वॉशिंग क्या ही दिखाऊँ, तो दिखाने लायक है नहीं। यहाँ पे दो लोग पहले से हैं और भाइयों हाई कर दें आप इधर, ये भाई छुपे हुए हैं क्या, आपने कुछ काला कारनामा किया है जो अपना मुंह छुपा रखे हो भाई? लगता है भाई के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। और ये जो आई लव जॉसन लिखा हुआ है, ये इन्हीं का नाम जॉसन है। अच्छा अच्छा, इन्हीं भैया गया है, ओ प्यार बट रहा है ना। ये बेड मुझे मिल गया है, एकदम गंदा सा बेड है और क्या बताऊँ इसका, 300-350 रुपये उन्होंने रात भर कर लिया है, तो जितना पैसा है उतना ही मिलेगा। और कुछ भी नहीं है, टॉवल तक नहीं है, यूँ सोच लो। यहाँ सामने सब उन्होंने कपड़ा रखा है और ये भाई लोग हैं। तो भाई लोग आप लोग बताएं जरा यार, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मुँह क्यों छिपा रहे हैं? चलिए भाई, लगता है कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं। यस आई एम नॉट कंफर्टेबल, धीरे से बोले, आई एम नॉट कंफर्टेबल। आप सर मैं भी यहाँ आया था बुलंद दरवाजा देखने के लिए। तो कितना बुलंद है ये, आपके हौसले कितने बुलंद है इस होटल में रहने के बाद, पहले तो ये बताइए। जोर से बोलिएगा, सस्ता वाला मोबाइल है मेरा। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑडियंस। तो बहुत ही बेकार रहा एक्सपीरियंस सो फार, वी स्टार्टेड विद दिस, नो देयर इज नो बेसिक थिंग्स आर देयर लाइक सोप, towel is not there, towel nahi hai, soap blanket was not there, so we need to request the guest owner, like, you know, we need to provide this basic amenities at least. And there is a problem with the bathroom as well, I think the flush is not working out. So there are a couple of things, but again it's not like a permanent stay, so we can we'll have to manage it at any cost. To bhaiya english mein ye keh rahe the ki kul mila ke experience acha nahi hai, toilet ka scene nahi hai, ye lagta hai shayad idhar ke nahi hai, north ke nahi hai, to bahut acche se inhe नहीं आती है हिंदी, टूटी फूटी। तो मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, बट भैया सकल से मल्लू लग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है, कोई नहीं, बुरा मान के लग रहा है। तो अब हमारा डिनर आएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं खाना, उसके बाद ये सामने बड़ा सा मिरर लगा दिया, मिरर बहुत बड़ा लगा हुआ, वो भी टूटा हुआ है। तो अब डिनर आएगा, हमने एक साथ ज्वाइंट ही मंगवा लिया, ज्वाइंट क्या सबका अलग अलग है, पैसे सबका अलग अलग ही है, बट खा लेंगे एक ही साथ बैठ करके, और क्या कर सकते हैं, बाहर रेस्टोरेंट सीट होगा तो बाहर में बैठ के खा लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको और उसके बाद दिखाएंगे कल का सीन। गाइस हमारा डिनर आ गया है, बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये मटर पनीर है, एक करी और दाल वाला है, चावल रोटी, हम सब लोग सलाद है, ये सब खा रहे हैं यहीं पर बैठ करके। कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, जस्ट एन एवरेज है, मतलब कुछ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, ऐसा होता नहीं, खुशी हो रही अंदर से कि चलो खाना आया, उस टाइप का फील नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो अभी हम खाना खाते हैं, सो जाएंगे और आप डायरेक्ट मिलते हैं आपसे कल, शुक्रिया। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हमने अपना होटल छोड़ दिया है और यहाँ से नहा धो करके निकले हैं। सुबह का रात का डिनर तो बहुत बकवास था, तो हमें सुबह में एनर्जी भी नहीं मिल रही है। अब हमें यहाँ से पूरा फतेहपुर सीकरी घूमना है और अगर टाइम बचा तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी, नहीं तो बैक टू दिल्ली।
तो अब हम यहाँ से रास्ते में 200-500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम आपको दिखाते हैं कैसा है फतेहपुर सीकरी टाउन। और आप एक्सपेक्ट मत करना ये अच्छे दिल्ली मुंबई जैसा कोई बड़ा शहर होने का, या कोलकाता कोची पटना जैसा कोई सेकेंड लाइन सिटी होने का, ये बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल स्मॉल टाउन है। अभी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसका होटल ब्लू हेवन था, और ब्लू के नाम पे सिर्फ यहाँ की चार वॉल ब्लू रंगी हुई है, बस इतना ही ब्लू है इसके अंदर और कुछ ही ब्लू नहीं है, बाकी सब एकदम बकवास है। होटल से बाहर निकल करके कुछ ऐसा दिखता है फतेहपुर का सिकरी का रोड। ये आगरा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा जगह है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, ये बिल्कुल छोटी सी जगह है, तो शायद ये रीज़न था कि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखती है। अब देख रहे हो सामने लिखा हुआ है बुलंद दरवाज़ा जोधाबाई महल, तो ऊपर की तरफ जो रास्ता गया हुआ है वही चढ़ करके हमें जाना है ये बुलंद दरवाज़ा जोधाबाई महल और पूरा आगरा फतेहपुर फोर्ट के लिए। फिर हम आपको चल के बताते हैं यहाँ का हिस्ट्री। ये रास्ता है ऊपर की तरफ जाने का, ऊपर मतलब बहुत ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं, आगरा फोर्ट इसकी बुलंद दरवाज़ा की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक जाने का रास्ता है ये। और इसका इतिहास ये है कि अकबर ने जब गद्दी संभाली दिल्ली में रहते हुए, तो उसके कुछ ऐसे सूफी संतों से बनी जो चाहते थे कि अकबर फतेहपुर सीकरी आ जाए, तो वो फतेहपुर सीकरी आ गया, इस जगह पे आ गया और इसने यहीं पे अपने राजपाट शुरू की। लेकिन यह शुरू करने के महज 14-15 साल के अंदर इस जगह पे जब सल्तनत की शुरुआत हुई, तो यहाँ दिल्ली से आकर के उसने यहाँ अपना शहर बसा लिया, और उसके 15-16 साल बाद ही उसे पंजाब में किसी लड़ाई में जाना पड़ा, जिसके बाद उसको उतना टाइम नहीं आया, लंबा वक्त लगभग 10 साल उधर गुजर गया, और फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम हुआ और उसने फील किया कि यहाँ फोर्टिफिकेशन बहुत तगड़ा नहीं है, किले की जो दीवार है वो बहुत दीवार ऊँची नहीं है। दूसरा रीज़न ये था कि उसे ऐसे इनपुट मिले कि यहाँ पानी की भी कमी हो सकती है किसी समय में, और पानी की कमी से लेकर फोर्टिफिकेशन का मसला था। इन सब मसलों को ध्यान में रखते हुए उसने अपना नया फोर्ट बनवाना शुरू किया आगरा में, जो कि आपने मेरे वीडियोस में देखे होंगे। आगरा फोर्ट में ही उसने अपना राजपाट चलाया, बाद में उसके बेटे आए शाहजहाँ, जहांगीर, शाहजहाँ वगैरह, वो सब दूसरी जगह चले गए। कहावत है कि जो अकबर का बेटा था सलीम यानी जहांगीर, उसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी अनारकली, तो उन दोनों के बीच रॉयल डिफरेंसेस थे, जहांगीर कहाँ राजा का बेटा और अनारकली कहाँ खादिम की काम बेटी, तो दोनों के बीच में फ़र्क था। इसको लेकर के अकबर ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद कहानियों का हिस्सा है कि अकबर ने उसे दीवार में चुनवा दिया, जो मूवीज़ आई थी कुछ उसमें भी इस तरह का दिखाया गया है, बट हिस्टोरिकली ये प्रूवन फैक्ट नहीं है, तो इसे एक कहानी के तौर पे ही समझा जाए, इतिहास का हिस्सा तो ना कहा जाए। और कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने उसे दीवार में चुनवा दिया था। उसके अलावा एक और चीज़ें हैं यहाँ, जैसे रानी का महल है, जोधाबाई का महल वगैरह है, तो वो सब भी हम आपको दिखाएंगे चल करके। फ़िलहाल आप देख सकते हैं सामने बुलंद दरवाज़ा, ये एंट्री है, ये शाही दरवाज़ा है जिधर से एंट्री किया गया था, और एंट्री गेट बना हुआ आगे फ्रंट से, और यहाँ से महल में पीछे टूरिस्ट के लिए जाने का बना हुआ है, जो ऊपर से क्या है ना सामने से बंद कर रखा है। आप जो देखोगे ना, ये शाही दरवाज़ा बीच से दिख रहा है, तो सामने से जाने के लिए बंद कर रखा है इन्होंने, ये इधर से सिर्फ जाने का रास्ता बचा हुआ है। तो ये जो भैया को आप देख रहे हैं, ये हमारे टूर गाइड हैं, और ये ऑथराइज नहीं होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अच्छा नॉलेज उन्होंने सही दिया। उन्होंने बताया कि इस जगह को बनाने के लिए अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, है जो कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, और उनके गाइडेंस पे उनकी मन्नतें हुई कि भाई मुझे एक बेटा हो, और जहांगीर यानी सलीम की पैदाइश हुई, उसके बाद से उसी खुशी में इसको बनाया गया। उसके बाद फिर वो अहमदनगर, गुजरात, खानदेस, इन सब जगह पे जीत हासिल किए अकबर ने, उसकी खुशी में भी समझो इस वॉल को ऊंचा किया गया, उस दरवाजे को ऊंचा किया गया। तो ये सब इसका कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये हम जहाँ पे जा रहे हैं ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है बुलंद शहर, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे राजस्थान बॉर्डर, और नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है भरतपुर, वो स्टार्ट हो जाता है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट 22 किलोमीटर है, और राजस्थान बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर। थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ रही है तो टायर्ड हो गया हूँ।
इधर से एंट्री करने का है। अभी चूँकि विश्व धरोहर सप्ताह यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, एंट्री फ्री है अभी हमारे लिए 25 नवंबर तक, कोई पैसा नहीं। बस जूता रखने का है, पता नहीं यहाँ पे रखना मैंडेटरी है क्या, क्योंकि लोग तो रख रहे हैं तो जूता रख के फिर अंदर जाएंगे।